कैमरा लगा हुआ है, साइड में देखना पड़ेगा, देख रहे बीच में से नहीं जा सकता। ये सामने मेन रेलवे स्टेशन है और देखते जाते हैं सामने करें तो क्रॉस कर रहे हो। यहाँ पर आदमी चलते हैं, वैसे भी ऐसे ना अंग्रेजों के टाइम पे ज़्यादा चलते थे, लेकिन इसको कहते हैं ठेला, रिक्शा, कैब और यहाँ की प्राइवेट बस उसके लिए एक मार्केट है, तो उसके यहाँ पर ज़्यादातर ये चलते हैं। राशन करना पड़ेगा और उसको चढ़ के मुझे ऊपर से नीचे करना पड़ा, जान लगा तो रोड क्रॉस करते हैं। एंट्री न्यू दिल्ली, आप देख सकते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे अमेरिकी पर तो कल वैसे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता, क्योंकि बने यहाँ पर थोड़े पत्थर भी मिलते हैं, तो कहावत है कि ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, तो वो है यहाँ पर थोड़ा बहुत। वैसे जो जो पत्र तो हैं होते हैं ये आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए मिल जाते हैं, स्पेशली नॉट यहाँ पर। मैं कुछ अदर कंट्री में भी गया था, वहाँ पर भी हैं अच्छे चेकिंग पोस्ट, बट यहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही। यह है हमारा न्यूज अभी रेलवे स्टेशन, पश्चिम पार्क के पहले जब मैं जो फ्लैग अच्छा लगता है, सारे जहाँ से अच्छा है यहाँ की पार्किंग सिक्योरिटी से खचअप, मज़ा आ गया। वैसे लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार निकल रहा हूँ यहाँ से, वो भी अकेले। वैसे भी मुझे अकेला चलना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं हूँ आप भी हो तो मेरे साथ कहीं पर भी हो, लेकिन हम तो रहे ये सामने KFC का फूड, आई लव दिल्ली प्लेटफॉर्म। फिर
मेरी बड़ी याद भी देती है और अभी टाइम याद है कब से यार टाइम में थोड़ा सा 6:20 हो गए, मेरी गाड़ी 8:10 की है। अंदर से दिख रहा है लेकिन मैं शहर से हूँ, बीच में अभी गया नहीं। वैसे जो दिल्ली है ना हमारी, ये सस्ती भी है और महंगी भी है, यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। यहाँ पे गरीब भी रह सकता है, अमीर भी रह सकता है, मिडिल क्लास भी रह सकती है, ना हो तो भी रह सकते हैं। ये तो क्या स्टाइल से सोच रहे हैं, सारे प्रगति कर रहे हैं। और मौसम में भी मई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट के पास मेरी जो सबकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार जो मैंने वहाँ पर देखी थी ना, काशी, वो जबरदस्त लगा। ये भी अच्छी, देखो बाहर से लाइटिंग और पब्लिक बाहर बैठी हुई है। सिस्टम है, चलो इंडक्शन पर देखते। वैसे तो मैंने टिकट ले ली है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म करूँगा कि यहाँ से क्या ऑफलाइन टिकट भी है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, भीड़ कितनी है ज़्यादातर तो यहाँ पर साइड देखना पड़ेगा गाड़ी कौन सी है, मेरे को पता नहीं।